जहाँ जहाँ से जो जो पोर्शन टूटना था वो टूट रहा है। आज का तो लगभग सारा का सारा दिन ही तोड़ फोड़ में ही निकल जाएगा। सीमेंट बहुत ज्यादा चाहिए थी इसलिए हमने बड़ी वाली गाड़ी मंगवा ली है सीमेंट की। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग शुरू करते करते काफी लेट हो गई, 10 बज गए। लेकिन एक बात की खुशी है कि पिछले दो तीन ब्लॉग सात सात दिन से आ रहे थे, ये वाला ब्लॉग पिछले वाले ब्लॉग को देखते हुए जल्दी आ रहा है क्योंकि दो दिन ही है ब्लॉग डाले हुए और फिर से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। और ब्लॉग की शुरुआत का मेन कारण है कि आपको बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होंगी और उसका कारण है कि हमारे घर का मेकओवर चल रहा है और आज ही हुई है उसकी शुरुआत। जहाँ जहाँ से जो जो पोर्शन टूटना था वो टूट रहा है, तो इसी कारण मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग चालू कर लेते हैं। ये आवाज की तो दिक्कत होगी लेकिन आपको भी तो दिखाएं क्या क्या चल रहा है। ये देखिए, इस साइड में इस कमरे का इतना इतना टूट गया है। जहाँ जहाँ से प्लास्टर ने जगह छोड़ रखी थी वो सारी जगह तोड़वा दी है, अब इस पे दोबारा प्लास्टर होगा। और बाहर से भी जहाँ जहाँ से कमजोर प्लास्टर था वहां से टूट गया है। ये दूसरा कमरा है, इसके पास वाले कमरे में वो लगे हुए हैं तो आपको आवाज ज्यादा आ रही होगी। इस कमरे का भी लगभग ये गेट हम बंद करवाने वाले हैं क्योंकि एक्स्ट्रा में है, तो इस गेट को बंद करवा देंगे। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था अब व्लॉग्स की कमी नहीं होंगी, और व्लॉग्स की कमी इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि काफी दिन तक तो घर का मेकओवर का काम चलेगा, तो मैं व्लॉग बनाता रहूंगा। उसके बाद में चलेगा कलर का काम, पूरे घर में कलर होगा नया, और देखेंगे और भी दो तीन चीजें करवानी है, पूरा एकदम मस्त होगा। तो अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, कोशिश पूरी करूंगा लोग अच्छे बनाने की। बाकी देखते हैं आप लोगों पे है, आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। और अभी काफी लेट हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से नहा लेते हैं क्योंकि वैसे आज पूरे घर में मिट्टी मिट्टी उठ रही है तोड़ने के कारण, तो मैं थोड़ा भूत जैसा हो गया हूँ। और फिलहाल कंटेंट भी घर पे नहीं है, वो भी गया हुआ है तो वो भी आ जाता है, मैं नहा लेता हूँ इतनी देर में। तो गाइस, अगर घर में काम चल रहा हो खास करके टूट फूट का, तो घर से कोसों दूर चले जाओ वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। इस टंकी को हमें बंद करना है तो जितना भी मटेरियल फूटेगा वो इसमें डालेंगे, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि टंकी को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ा उसको फोड़ना चाहिए। तो देख लो मेरी हालत, जिसके भी घर में काम चलने वाला हो गांव भाग जाओ, ननियाल भाग जाओ, कहीं भी भाग जाओ, घर मत रहो। जैसे कि कंटेंट भाग गया, उसको पता था आज काम है। बुलबुले फूट गए मतलब टंकी भी फूट गई। तो गाइज, मैं उन हाथों के तैयार, और मैंने वही कपड़े इसलिए पहन लिए क्योंकि बाहर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो दूसरे कपड़े चेंज करने में कोई फायदा नहीं है। पहले से जो मिट्टी है उसी को वापस पहन लेते हैं। और इस बड़बड़ से इतनी जल्दी सर में दर्द होने लग गया है, देखते हैं शाम तक क्या हालत होती है, लेकिन अभी तक कंटेंट नहीं आया है। गजब टू भी आ जाती है। तो नहा लिए हैं, तो नहाते ही सबसे पहला काम, बहुत जोरों से भूख लगी है तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। और खाना भी घर वालों ने बना दिया है, खाने में गर्मा गर्म रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी, और ये भी सब्जी है किस चीज की ये मेरे को पता नहीं। तो चलो जल्दी से खाना खाने के बाद में मिलते हैं। खाना तो खा लिया है, अभी संभालते हैं कि काम कितना हो गया है। टाइम टाइम पे इनको भी संभालना जरूरी है, तो चलो देखते हैं कितना काम हो गया है। ये कमरा तो मैंने आपको दिखाई दिया था, इस कमरे में काफी तोड़ फोड़ हुई है क्योंकि नीचे नीचे से इसकी पूरी दीवार खराब हो गई थी सीलन के कारण। अब इसके पास वाले कमरे में काम चल रहा है। आज का तो लगभग सारा का सारा दिन ही तोड़ फोड़ में ही निकल जाएगा, कल से मेन काम चालू होगा शायद। टाइम तो लगेगा लगभग 25 दिन से लेकर एक महीने, और कलर का जोड़े तो लगभग दो महीने लग जाएंगे, डेढ़ दो महीने लगेंगे। कहने का बात मतलब ये है कि पूरे घर का मेकओवर होने वाला है लगभग पूरा, और जितना जल्दी हो उसके करने की कोशिश है। गाइस, इस फोड़ा तोड़ी के बीच में आ गया है हमारा सिलेंडर, तो चलो जल्दी से सिलेंडर लेके आते हैं। A few moments later. अभी तोड़फोड़ थोड़ी देर के लिए रुकी है क्योंकि तोड़फोड़ करने वाले गए हैं थोड़ा खाना खाने के लिए, उनका टाइम हो गया है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर सो लेता हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, और सबसे ज्यादा मिस मैं कंटेंट को कर रहा हूँ सच्ची में, क्योंकि वो होता है तो उसके साथ बकवास कर लेते हैं, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
कुछ करने को ही नहीं है। बात तो सही है। ये देखो कंटेंट भैया आ गए, आज काफी क्यूट लग रहे हैं भैया। घर की तोड़फोड़ चल रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, घर टूट रहा है आपको अच्छा लग रहा है? नया हो जाएगा। अच्छा, घर की अलग फीलिंग्स। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तोड़ फोड़ से दूर हम जा रहे हैं वापस बैडमिंटन खेलने के लिए, और कंटेंट भैया को थोड़ा दो चार बार धमका दिया है तो इनका थोड़ा मुंह सूज गया है। क्या करें भैया, जिंदगी ऐसी है हमारी। इनकी जितनी अच्छी जिंदगी के लिए लोग तरसते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है, फुल ऐसो आराम मिल रहा है इनको। कहाँ ऐसो आराम, भूख लगती है तो काजू बादाम खाना पड़ता है, ऐसो आराम कहाँ है। वाह 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 गाइस, हम तो आ गए हैं लेकिन जीतू भैया अभी तक नहीं आए हैं, तो चलो एक एक हाथ प्रो प्लेयर्स के बीच में ही हो जाए। और ये सारे नंदी ये सोच कर आ गए हैं कि हम इनके लिए कुछ लाए हैं। सॉरी गाइज, आज आपके लिए कुछ नहीं है। जल्दी से सब मिलके बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर आप सभी को मैं गुड़ खिलाएगा। आप अपना टैलेंट दिखाओ, हम उल्टा हाथ से खेलेगा आज। गाइस जीतू भैया आ गए हैं, सभी जीतू भैया का स्वागत करो ताली बजाकर। आज हवा अजीब चल रही है, पत्ता इतना हलता कौन दिख रहा है, और चिड़ी उड़ रही है। तो गाइस काफी देर खेलने के बाद हमने अपने चप्पल का भी दान दे दिया है, और खिलाड़ी चेंज हो गए हैं। जो खेल रहे थे वो खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं। जीतू यार ढंग से खेल। तो गाइज खेल समाप्त हो गया है, लेकिन एक कांड हो गया है, हमारी स्कूटी की चाबी जीतू की जेब में चली गई है, और वो आ रहा है, इतनी देर हम इसको धक्का मारेंगे। गाइज इस सवारी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अरे योगी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जय बजरंग बली, ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो, तंग सस्ते न से तार चिपक गई छाती से, तंग जियो फाइबर की तार चेक करने आऊं, कितनी मजबूत है। और अब आ गई है ढलान, और घर पे आ गए, हमें चाहिए था अच्छा वाला प्रोटीन, तो हम खा रहे हैं महंगे वाले बिस्कुट। इसको तो बस पूरे दिन खिलाते रहो, देखो देखो कैसे भूखे की तरह खा रहा है, शर्म नहीं है इसके मुंह पे। मुंह देखो इसका, मुंह देख के कमेंट करो, पहला ख्याल क्या था इसका मुंह देख कर, प्लीज कमेंट करो। The next day. तो अगला दिन चालू हो गया है, वही गेटअप वही हालत, बार हो रहा है बहुत ज्यादा आवाज। अभी अभी मैन मिस्त्री साहब आए हैं, और अभी जल्दी से जाके बजरी और सीमेंट लानी पड़ेगी, वो देख के लानी पड़ेगी कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो चलो पहले जल्दी से बजरी लेने चलते हैं। सीमेंट बहुत ज्यादा चाहिए थी, इसलिए हमने बड़ी वाली गाड़ी मंगवा ली है सीमेंट की, और ये 4x4 में आ रही है गाड़ी। फिल्म बनाऊंगा सारी पूरी, एक फेमस कर दूंगा। ये है शुद्ध देसी घी का स्वामिनी में बनने वाला चूरमा। I don't know. ये देखो, अब कुछ लोग इसे बजरी कहेंगे लेकिन ये चूरमा है। तो दोपहर के बज गए हैं 2, और मैं अब नहा लिया हूँ क्योंकि हमारे मिस्त्री गए हैं खाना खाने के लिए, तो हमें मिला बीच में ब्रेक, तो मैंने सोचा क्यों ना नहा लेते हैं, और मुझे बाहर भी जाना है, 2-4 काम है, देवेंद्र आया हुआ उससे भी मिलना है, मैं तो नहा लिया। लेकिन ये शख्स अभी तक नहीं आया भाई, लास्ट टाइम कब नहाया था? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? गाइस घर में काम चल रहा है तो मुझे क्या क्या काम किया तूने? क्या काम किया तूने? कल पूरे दिन तू गायब था। गाइस पूरे छास दूध में लाया हूँ गांव जाके, और जो कस्सी होती है, जो धामा होता है बजरी डालने के लिए, वो भी गाइस मैं लाया हूँ। कहाँ से लाया? बना के गांव से लाया हूँ। बना के लाया? गांव से लाया हूँ। और भी बहुत काम किए हैं, जैसे पैसे निकलवा के लाना एटीएम से। और बहुत जोर आये होगो पसीनो आ गो। तू क्या करो जब था? तू क्या करो है? ठीक है, कैमरा बंद कर दियो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारा मित्र देवेंद्र हमें मिल चुका है, और इसके साथ मिलकर हम जा रहे हैं हमारे तीसरे मित्र के पास। तो मित्र चलाओ हमारे रथ को आगे बढ़ाओ पार्थ, इस पापी संसार से
में जरूर ले सकते, लेकिन चलाना होड़े होड़े, पिछले टायर में हवा कम है। अभी मैं आ गया हूँ वापिस घर और बाइक को देखकर लग रहा है हमारे मिस्त्री जी भी आ गए हैं, और अंदर घुसते ही हमारे स्वागत में बैठी है हमारी प्यारी स्वीटी। चलो चल के देखते हैं क्या क्या काम हो गया है। टूटे हुए सामान से हो गया है बीच में भराव, क्योंकि यहाँ आए गए इंटरलॉक, और इंटरलॉकों के लिए भराव चाहिए। बात सही है। शाम के 5:30 हो गए हैं, काम करने वालों की हो गई है छुट्टी। अभी हमारी स्वीटी जी को बाहर घूमने का टाइम मिला है, क्योंकि पूरे दिन से बेचारी बंधी हुई थी, अभी घूम रही है मस्ती से। ये देखो कितनी खुश है, आजा आजा आजा। और आज के काम में काम हुआ है इस दीवार की लिपाई। कंटेंट भैया सोकर उठे हैं अभी, इनको कोई मतलब नहीं है घर में कितना ही काम चल रहा हो। इस कमरे में अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे सामान पड़ा है, और ये सब निकलेगा, इस दीवार का पूरा चेंज होगा, ये पूरी दीवार ही चेंज हो जाएगी थोड़े दिन में। इस कमरे में काफी हद तक काम हुआ है, चारों तरफ की दीवारें इसकी, क्योंकि इसमें नीचे नीचे चारों में ही सीलन आई हुई थी, तो इसमें हुआ है। और एक ये छोटा सा कमरा है जिसका मेरा एक प्लान है, थोड़े दिन में इसको भी थोड़ा मेकओवर करेंगे अच्छे से, तो इसमें भी इसकी जो जो दीवारें डैमेज थी उसको सही किया है वापिस से टन टनाटन। तो लगभग 2 दिन का व्लॉग हो गया है, तो व्लॉग शायद लंबा हो गया है, शायद ना भी हो, वो एडिटिंग करते टाइम देखेंगे, लेकिन जितना भी हुआ है चलो जो काम चल रहा है उसी का व्लॉग दिखा रहा हूँ, और कुछ दिन तक यही काम चलेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कलर वाले आ जाएंगे, तो कुछ दिनों तक तो यही चलेगा व्लॉगिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी मस्त मस्त कॉन्टेंट आएंगे, पहले वाले भी बहुत शानदार थे, अब आगे धीरे धीरे और बेस्ट आएंगे। और अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं एक और शानदार व्लॉग में फुल मस्ती के साथ। बाय बाय।